अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम दहे दहिसा ठाकुरपाड़ा परिसर में, आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक को रोका जा रहा है। यहाँ के लोग उन लोगों को खाना पानी की सारी चीजों की सुविधाएं दे रही है। डायगर पुलिस स्टेशन भी इसमें साथ दे रहे हैं। किस तरह से रोक कर पुलिस वाले लोगों को खाना दिया जा रहा है ताकि कोई भी मजदूर लोग भूखे प्यासे यहाँ से ना जा पाए, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो इतना पैसा है कि यहाँ रहने के लिए उन लोग के लिए भाड़ा नहीं है कहते हैं, और ना इन लोगों को कोई राशन मिल रहा है, ना ही खाना पका हुआ मिल रहा है। इस वक्त हम पुणे हाईवे पे है, रात के ठीक 12 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है, और यहीं पे कुछ लोग, मेरे यहाँ हाथ की तरफ देख सकते हैं आप, यहीं पे कुछ लोग मिल के यहाँ के जो ट्रक में जो जा रहे हैं मजदूर लोग अपने गाँव के लिए, तो उन लोगों को रोक के खाना और पानी दिया जा रहा है। आप पीछे साइड भी हमारे देख सकते हैं, वहाँ पे भी पुलिस वाले भी हम लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं कि ये जो पब्लिक जा रही है अपने इलाके अपने गांव में, उन लोगों को रोक रोक के खाना और पानी दिया जा रहा है। यही लोगों के साथ जो यहाँ पे खाना और पानी दिए जा रहे हैं, ट्रकों को रुका कर पुलिस वाले भी यहाँ के लोगों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि रोक के उन लोगों तक खाना पहुँचाया जाए ना यहाँ से, क्योंकि कुछ लोग भूखे प्यासे भी जा रहे हैं। कोई पनवेल से आया है, कितने लोग 25-25 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं सफ़र करके, और यहाँ से भी उनको काफ़ी लंबा सफ़र करके जाना है, इसीलिए उनको हर चीज़ की सुविधाएँ दी जा रही है। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख, दहिसा ठाकुरपाड़ा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।